hello oh sorry it's not phone am i audible now am i audible now hello i think i am sorry. now it's okay now is it okay yes now is it okay hello ओके फाइन चलिए गुड इवनिंग एवरीबॉडी वेलकम टू अन अकेडमी वेलकम टू अन अकेडमी कॉर्नर एंड योर ओन केमिस्ट्री क्लास आई एम योर एजुकेटर प्रियंका एंड नाउ लेट्स बिगिन विद केमिस्ट्री और लास्ट क्लास में हमने कुछ इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट वेट्स निकालने की बात करी थी ठीक है राइट हमने लास्ट क्लास में क्या करा था हमने यहाँ बेसिसिटी एसिडिटी बेसिसिटी और उसके बाद इक्विवेलेंट वेट्स निकाले थे राइट right? और मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था और इस क्वेश्चन में मैंने आपसे बोला था इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड जो है वो है फोर्टी ठीक है सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड में कौन है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल होगा प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड होगा अब ऑक्साइड का हम कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकालते हैं एम आई ऑडेबल नाउ भाई बता दो और भाई थैंक थैंक यू दिव्यायन। यू सो मच ओके सो ऑक्सीजन ऑक्सीजन मैंने आपसे क्या बताया किसी भी आयन का हमें अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे मोलर मास डिवाइडेड बाय इट्स वैलेंसी फैक्टर ठीक है तो ऑक्सीजन का मोलर मास होता है सिक्सटीन उसका वैलेंसी फैक्टर होता है टू तो ऑक्सीजन का या ऑक्साइड आयन का मोलर इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया एट सो so, ये हमको फोर्टी पता है ये हमको इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल निकालना है ये हमको एट पता है राइट सो फोर्टी माइनस एट विल इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल दैट इज हाउ मच थर्टी टू थर्टी टू हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ठीक है आप थर्टी टू नाम से कोई ढूंढने मत बैठ जाइएगा राइट right? अब आपको इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल पता चल गया है अब आपको क्या करना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोराइड ढूंढना है नाइट्रेट ढूंढना है सल्फेट ढूंढना है एंड फॉस्फेट ढूंढना है सो साइड में हम पहले निकाल लें सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट इसका मास होता है टोटल 96 सिक्स डिवाइड बाई टू विल गिव यू 48 एट इक्वलेंट वेट ऑफ सल्फेट फिर किसका फॉस्फेट पीओ फोर थ्री माइनस इसके अंदर भी इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा कैलकुलेट करो जल्दी से 64 फोर 74, 84, 94 एंड नाइन्टी फाइव थ्री करो कितना आएगा देन इज नाइट्रेट एनो थ्री माइनस वन सो जिसकी वैलेंसी वन है उसका इक्वेलेंट वेट उसके उसके वेट के बराबर है क्योंकि वैलेंसी वन है फोर्टी एट प्लस टेन फिफ्टी एट एंड फोर सिक्सटी टू सिक्सटी टू देन कम्स वॉट क्लोराइड क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट है थर्टी फाइव पॉइंट फाइव सो आपसे इस क्वेश्चन में कहा गया है इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सेम मेटल मेटल्स इन इट्स क्लोराइड नाइट्रेट्स एंड सल्फेट्स एंड फॉस्फेट सो आपको सबका आप यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ फॉस्फेट निकाल सकते हैं उसका कितना फॉस्फेट uh, यहाँ पे आ जाएगा कितना इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज थर्टी टू प्लस फॉस्फेट का निकालिए जरा नाइन डिवाइडेड बाई थ्री गुड इवनिंग आदर्श गुड इवनिंग जल्दी से कितना हो गया इसका थर्टी वन पॉइंट सिक्स सिक्स थर्टी वन पॉइंट सिक्स सिक्स और ये सिक्स सिक्स भाई थर्टी वन पॉइंट सिक्स सिक्स राइट और इसको भी चेक कर लें प्लस फोर्टीन सिक्सटी टू है ठीक है थर्टी फाइव पॉइंट फाइव राइट सो इधर अभी फॉस्टफेट का हमको इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो फोस्टेट का थर्टी वन पॉइंट सिक्स आ रहा है सो दैट कम्स टू थ्री एंड इसी मेटल का जो फॉस्फेट होगा उसका इक्विवेलेंट वेट ये होगा इसी मेटल का जो सल्फेट होगा उसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा फोर्टी एट थर्टी टू प्लस फोर्टी एट करिए कितना आएगा थर्टी टू प्लस फोर्टी एट सेवेंटी एंड एट्टी ठीक है इसी मेटल का अगर क्लोराइड होगा तो इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा गुड आफ्टरनून मिस्टर क्रेजी आपका नाम बता दो तो बहुत अच्छा रहेगा क्रेजी बोलना मुझे अच्छा नहीं लगेगा ठीक है तो आदर्श बैकलॉग uh, के लिए आप टू एक्स पे करके पहले सारे वीडियोस देखिए जो बैकलॉग रह गए और साथ साथ उसके क्वेश्चंस करते जाइए क्वेश्चंस करने से जल्दी होता चला जाएगा और फास्ट मतलब वीडियोस आप टू एक्स पे करिए या वन पॉइंट सेवन फाइव एक्स पे करके वीडियोस देख लीजिए ठीक है और इस तरह से आपका हो जाएगा ठीक है ठीक है विवेक यस विवेक हाँ एंड कैन आई कंप्लीट द होल प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस फ्रॉम नाउ एज आईन देखो जिस दिन से शुरुआत कर दोगे उस दिन से हो जाएगा बाकी सब आपके रस्ते की रुकावटें हैं जिस दिन से आप शुरुआत कर देंगे जिस दिन से आप ठान लेंगे कि हाँ मुझे खत्म करना है हाँ मुझे करके दिखाना है तो उस दिन से आपका काम शुरू हो जाएगा ठीक है तो परेशान मत हो ना ये सब सीधी बातें आसपास दिमाग में चलती हैं जितने डाउट्स आते हैं सेल्फ डाउट्स आते हैं इन सबको छांटो फिल्टर लगाओ और इनको अलग हटा दो काम करो बस सिर्फ अपना काम करो और ये सारी जितनी बातें हैं ना ये सब क्या होती है बार बार आपको क्या होता है आगे बढ़ने से रोकती हैं आप जितनी मेहनत कर सकते हैं उससे रोकती हैं तो आप सिंपली इन सारी चीजों को साइड देखिए दे विचार तो आएंगे मन में आप मेहनत कर रहे हैं पॉजिटिव हैं आगे बढ़ना चाहते हैं डर लगता है विचार तो आएंगे लेकिन उनको ठीक है उनको बोलो ओके वेट लेट मी वर्क हार्ड एंड देन टॉक उनको साइड में करो उनको बिल्कुल नेग्लेक्ट भी मत करो है ना क्योंकि जिन चीजों को हम भगा देते हैं हम सोचते हैं, इस बारे में हमें नहीं सोचना वो हमें और ज्यादा याद आती हैं तो उनको भगाओ मत उनको बोलो वेट बैठो थोड़ी देर बाद में बात करेंगे ये फिनिश कर लूँ पहले इतना पोर्शन पढ़ लू इतने क्वेश्चन कर लू फिर बात करेंगे ठीक है गलत हो गए तो कैसे ठीक करूं चेक करना पड़ेगा ना गलत हो गए मतलब क्या भाई कॉन्सेप्ट गलत पकड़ लिया या कैलकुलेशन गलत कर रहे हो कैलकुलेशन गलत कर रहे हो तो चेक करो अपनी कैलकुलेशन और क्वेश्चन uh, गलत होना तो मतलब uh, कोई नहीं करो बेटा विवेक नहीं विवेक नहीं कौन आदर्श आदर्श करो जोर लगा के करो मेहनत पूरी करो पूरा दम लगा के मेहनत करो और सब हो जाएगा डी मोटिवेशन फ्रॉम अदर्स देखो क्या होता है कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना जो बात इधर से आए उसको इधर के इधर ही निकाल दो अंदर भी मत जान दो इसे तो दो कान हैं इधर से सुनो इधर से निकालो जो फालतू बकवास कर रहा हो ना उसकी इधर से सुनो और इधर से निकाल दो बस ये देखो ये जरूर सोचो किसी भी बात में कि क्या यही बात जो मैं अपने लिए एक्सेप्ट कर रहा हूँ अपने लिए फॉलो कर रहा हूँ क्या मैं अपने छोटे भाई या बहन को क्या मैं यही सलाह दूंगा जो सलाह को मैं मान रहा हूँ वहां पे आपका एक फिल्टर चेक हो जाएगा वहां पे आपको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा जो आप अपने लिए अपनाना चाहते हैं या आप अपने छोटे भाई बहन को कभी भी कोई गलत चीज नहीं सिखाओगे इतना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सब में होता है ठीक है हम कितना ही खुद गड़बड़ कर रहे हो किसी की बात सुन के तो आपको अपने आप तुरंत ये बात समझ में आ जाएगी कि भाई ये भी बात मेरे लिए भी गलत है अगर ये मेरे छोटे भाई बहन के लिए गलत है तो ये बात मेरे लिए भी गलत है ठीक है तो आप वहीं से एक फिल्टर लग जाएगा आपके ऊपर सामने वाला देखो लोग अपने अपने हिसाब से बात करते हैं आपको कौन सी बात किस तरह से सूट करती है वो आप ही जज कर पाओगे है ना मेरी समस्या मेरी अपनी है लेकिन आपकी समस्या आपकी अपनी है सबकी प्रॉब्लम्स अलग होती हैं और उन सबके सॉल्यूशंस भी अलग अलग होते हैं क्योंकि सबके सोचने समझने का लेवल अलग अलग होता है आप मेहनत करेंगे बहुत बार डिमोटिवेशन आएगा क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इतनी देर से लगा हुआ हूं लेकिन आप ये बात समझिए आप किस क्लास में है किस एज ग्रुप में है और उसके बाद आप जो टारगेट कर रहे हैं वो लक्ष्य भी बड़ा है है ना वो लक्ष्य बहुत बड़ा है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी ये तो प्रोसेस है नहीं आएगा क्वेश्चन आप दिमाग को इनपुट दे रहे हैं क्वेश्चन नहीं आ रहा आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा आप दिमाग को दे रहे हैं इनपुट आपने इनपुट जब दे दिया दिमाग को तो दिमाग उस समय उस पर प्रोसेसिंग चालू कर देगा ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा कि हम कोई बात सोचते हैं

को वो कॉन्सेप्ट पढ़ के छोड़ देना नहीं आ रहा है तो वो कॉन्सेप्ट पढ़ के छोड़ देना ऐसा नहीं करना है पढ़ो नहीं आ रहा है कोई बात नहीं दिमाग को पहला इनपुट गया है दूसरा जाएगा तीसरा जाएगा दिमाग उसमें ग्रो करेगा योर ब्रेन इज गोइंग टू गेट इन टू वेट एंड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग थिंग्स एंड प्रोसेसिंग इट एंड इट विल गिव यू आंसर जितना जल्दी ये काम करोगे बार 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 करोगे उतना जल्दी दिमाग एक्टिवेट हो जाएगा राइट right? सो so, दिव्यान आपके पास एक्चुअली मैं इसलिए ज़्यादा होमवर्क नहीं देती हूँ क्योंकि मैं उसको चेक नहीं कर सकती पर्सनली फिजिकली मैं चेक नहीं कर सकती ना सामने इसलिए मैं होमवर्क नहीं देती बहुत ज़्यादा आपके पास बुक्स हैं आप ऐसी बुक्स ढूंढिए लीजिए जिनके अंदर सोल्यूशंस दिए हुए होते हैं ठीक है तो उन सोल्यूशंस को देख के आप चेक करिए उन बुक्स में से आप करिए मैंने आपको बहुत सारी बुक्स सजेस्ट करी हुई है यहाँ पे ऑलरेडी आप उनमें से क्वेश्चन करिए राइट आप फ्री नहीं है आपके पास इस समय तो इतना काम है अगर आप ढंग से एन एस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास फ्री टाइम है ही नहीं मुझे नहीं लगता आपके पास होगा क्योंकि आप स्कूल भी जा रहे हैं आप वहाँ तैयारी वहां भी पढ़ रहे हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं ठीक है ओके चलिए सो हाँ जी तो इक्विवेलेंट वेट जल्दी, जल्दी जल्दी आप मुझे फटाफट एक बार क्लोराइड का और नाइट्रेट का यही तो छूटे ना हाँ इन दोनों का जल्दी से लिख के बताओ कितना कितना है तो क्लोराइड का थर्टी टू प्लस थर्टी फाइव पॉइंट फाइव दैट वु यू सिक्स एंड किसका बचा है? नाइट्रेट का बचा है. ठीक है hmm. इक्वल इन फेट सिक्सटी टू सो थर्टी टू प्लस सिक्सटी टूट गिव यू नाइनटी फोर So, ये आ गए हमारे इक्विवेलेंट वेट्स अब ये जितने भी कॉन्सेप्ट अभी तक हमने सीखे हैं गलत किया है क्या सिक्सटी सेवन पॉइंट फाइव होगा अच्छा फाइव अच्छा यस ठीक है थैंक यू सिक्सटी सेवन पॉइंट फाइव थर्टी टू प्लस थर्टी फाइव ठीक है थैंक यू दिव्या और और भी ये क्या है 93 थ्री किसका है सिक्सटी सेवन पॉइंट फाइव तो ठीक है नाइन्टी थ्री किसका है थर्टी टू प्लस सिक्सटी टू है ना नाइट्रेट का फोर्टी एट प्लस फोर्टीन हाँ सिक्सटी टू ये तुमने सिक्सटी नाइन्टी थ्री किसका लिखा है सिक्सटी टू सही तो है ठीक है चलो भाई हाँ जी तो अभी तक हमने जितने भी मेथर्ड सीखे थे वो हमने सब मॉडर्न कॉन्सेप्ट सीखे थे इसके अलावा अटोमिक मासेस कैलकुलेट करने के लिए हमें इक्विवेलेंट वेट यूज करना पड़ता है जिसके लिए हम क्लासिकल कॉन्सेप्ट भी यूज करते हैं ठीक है सो क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या है इक्विवेलेंट वेट का ठीक है सो अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल कॉन्सेप्ट इक्विवेलेंट वेट निकालने के मेथड टू डिटरमाइन इक्विवेलेंट वेट वी हैव डिफरेंट मेथड्स जिसके अंदर हम ऑक्साइड से हाइड्रोजन से मतलब एक ग्राम मेटल के साथ कितना ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है या एट ग्राम्स ऑक्सीजन के साथ आप मैं आपको इसको पूरा करवा ही देती हूँ राइट right? कि जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट है वो भी हमको पता होना चाहिए यहाँ पे चलिए हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन के साथ ऑक्सीजन के साथ इनके साथ हम कैलकुलेट करते हैं इनके साथ कॉम्बिनेशन में हम आ, आ, देखते हैं क्लासिकल कॉन्सेप्ट टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट्स ऑफ मेटल्स ठीक है चलिए सो हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड पहला मेथड हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड यानी कि एक मेटल है जिसका रिएक्शन हो रहा है एक एसिड के साथ ऐसा एसिड जिसके अंदर हाइड्रोजन है ऐसा एसिड जिसके अंदर हाइड्रोजन है एच ए एच यहाँ पे हाइड्रोजन uh, को रिप्रेजेंट कर रहा है और ए हमने ऐसा एसिड लिया है जिसमें हाइड्रोजन है ठीक है अब जब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा तो मेटल सॉल्ट बना लेगा एम ए और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा ठीक है और यहाँ पे वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा तो अब यहाँ कह रहे हैं कि इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना है तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ मेटल इज दैट मच अमाउंट ऑफ मेटल विच डिस्प्लेसेस वन ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विच डिस्प्लेस इज वन ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इक्विवलेंट वेट ऑफ अज द्लेस इज वन ग्राम ऑफ हाइड्रोजन तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पेक्विल इज इक्वल टू मास ऑफ मेटल अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस कौन सी जो कि डिस्प्लेस हुई है जितनी अमाउंट डिस्प्लेस हुई है इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस हुई है ठीक है जितनी अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस हुई है इन टू वन पॉइंट जीरो जीरो एट ये क्या है वन पॉइंट जीरो जीरो एट यानी कि वन मतलब हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास राइट right? सो so, यहाँ से वन ग्राम ऑफ वन ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ जितनी जितनी जितना मेटल वन ग्राम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है दैट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट मेटल सो अगर मेटल हाइड्रोजन के साथ कोई रिएक्शन है मेटल इक्विवेलेंट वेट हमें निकालना है और रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ दी गई है सो so उसमें हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं देन सेकेंड वन इज सेकेंड मेथड इज ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड यानी कि कोई मेटल है जिसका रिएक्शन ऑक्सीजन से हो रहा है और उसकी ऑक्साइड बन रही है एमओ ठीक है अब ऑक्साइड का अगर हमें मास निकालना है ऑक्साइड का हमें मास निकालना है हम हमें ये पता है मेटल का मास प्लस ऑक्सीजन का मास वो बनाएगा मेटल ऑक्साइड का मास ठीक है, सो हमें यहां पे देखना है कितनी मेटल ऑक्साइड डिस्प्लेस मतलब ox, uh, कितनी यस मास ऑफ हाइड्रोजन इन ठीक है अब मेटल जो है वो कितनी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है तो एट ग्राम्स ऑक्सीजन के साथ कितना मेटल कंबाइन होता है वो उसका इक्विवेलेंट मास होता है उस मेटल का ठीक है तो हम यहां से ऑक्सीजन का मास हमें कैलकुलेट करना हो तो मेटल ऑक्साइड में से हम मेटल का मास माइनस कर दें तो हमें अगर हमें क्वेश्चन में ऑक्सीजन का मास नहीं दिया गया हमें सिर्फ मेटल का मास दिया गया और मेटल ऑक्साइड का मास दिया गया है तो मेटल ऑक्साइड के वेट में से हम मेटल का वेट माइनस कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें कंबाइंड ऑक्सीजन का मास मिल जाएगा ठीक है कंबाइंड ऑक्सीजन का मास मिल जाएगा उससे हम क्या निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट Is equal to mass of element upon mass of oxygen into eight. Abi e

वन ग्राम हाइड्रोजन के साथ जितना मेटल कंबाइन कर सकता है वो उस मेटल का इक्विवेलेंट मास है आगे बात करते हैं आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा तीसरा है क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड ठीक है सो इसके अंदर अगेन यहाँ पे एक मेटल है जो क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करके मेटल क्लोराइड uh, बना रहा है ठीक है मेटल क्लोराइड बना रहा है सिमिलरली जैसे आपने मेटल क्लोराइड दी गई और आपको मेटल दिया गया तो आप metal, uh, ख्लो... कितनी क्लोरीन कंबाइन करिए उसका मास कैसे निकालेंगे मेटल क्लोराइड में से मेटल का मास माइनस कर देंगे तो कंबाइंड अमाउंट ऑफ क्लोरीन गैस का मास निकल आएगा आपके पास ठीक है फिर आपने क्या करना है फिर अगेन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट एलिमेंट अपॉन मास ऑफ क्लोरीन मास ऑफ क्लोरीन कौन सा वाला मास जो कि इस मेटल इस एलिमेंट क्लोराइड के अंदर कंबाइन हुआ है जितना इसके साथ कंबाइन हुआ है मास ऑफ क्लोरीन इन टू थर्टी फाइव पॉइंट फाइव राइट थर्टी फाइव पॉइंट फाइव राइट आप आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और इसी को आगे एक्सटेंड करें कि एक और मेथड बता देती हूँ इसके आगे एक और बात कि मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो होती हैं ठीक है मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेटल डिस्प्लेसमेंट मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है एक मेटल है जो दूसरे मेटल के कंपाउंड में से उसको डिस्प्लेस कर रहा है एम वन ए बना देगा और ये एम टू बाहर हो जाएगा आपको याद है हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करी थी आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स आयरन सल्फेट प्लस कॉपर ठीक है सेम उसी चीज की बात कर रहे हैं हम सेम उसी चीज की बात कर रहे हैं आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स गिव्स फेरसल्फेट प्लस कॉपर ठीक है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिंपल उसी की बात कर रहे हैं द मास ऑफ द डिस्प्लेस मेटल इसको थोड़ा सा हम देख लें यहाँ पे पर oh क्या हुआ ये मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड मेटल डिस्प्लेस्ड मेटल मास ऑफ द डिसप्लेस मेटल बेर्स द सेम रेशियो बेर्स द सेम रेशियो एज देर इक्वलेंट वेट्स यानी कि जितना मेटल डिस्प्लेस हुआ है जिस मेटल ने डिसप्लेस किया है और जितना मेटल डिसप्लेस हुआ है उसके बीच में उनके मासस के बीच में एक रेशियो होगा वो जो कि किसके बराबर होगा उनके इक्विवेलेंट वेट्स के के रेशियो बराबर होगा राइट सो हम यहां पे देख सकते हैं एम वन अपॉन एम टू इज इक्वल टू ई वन अपॉन ई टू एम वन अपॉन एम टू इज इक्वल टू ई वन अपॉन ई टू बोलो इतनी बात समझ में आई इतनी बात समझ में आई इतनी बात समझ में आई ठीक है यहां पे अभी हमने सिर्फ मेटल डिस्प्लेसमेंट अप्लाई किया है राइट right? ये फॉर्मूले हैं जिनकी हेल्प से हमें डिस्प्लेसमेंट मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर मेटल्स के इक्वेलेंट वेट्स निकालने को आते हैं ठीक है हमें इक्विवेलेंट वेट्स बहुत ज्यादा आई तक में पूछा जाता है इक्वेलेंट वेट कैलकुलेट करने को ठीक है वहाँ पे आपको कोई मेटल ऑक्साइड दे दी गई है या फॉस्फेट दे दिया गया है या कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे दी गई है तो वहाँ पे आप इस तरीके से आसानी से मेटल डिस्प्लेस्ड अमाउंट का निकाल सकते हैं राइट right. चलिए आगे बढ़ते हैं मेथड फॉर डिटरमाइनिंग अटोमिक मास यूजिंग इक्वलेंट वेट अभी आपको अटोमिक मास भी कैलकुलेट करने को आ जाता है Atomic mass using मास यूजिंग ठीक है यहां से इक्विवेलेंट वेट भी कैलकुलेट करने को आ जाता है सो so, आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए अटोमिक मास किसके बराबर होता है इक्विवेलेंट वेट इनटू बैलेंसी फैक्टर ये सब डेटा है नोट डाउन करने का इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी फैक्टर या जिसको आप एन फैक्टर कहते हैं एक ही टर्म रखिए इनटू इट्स एन फैक्टर एन फैक्टर ठीक है या हम क्या बात करते हैं मेटल्स का अटोमिक वेट कैसे निकाला था हमने उसकी वैलेंसी से डिवाइड किया था वही फॉर्मूला हमने री करके लिख दिया है कि अटोमिक वेट कैलकुलेट करने के ये सब अभी न्यूमेरिकल्स में काम आएगा आपके इसीलिए मैं ये इस सारा डेटा आपको दे रही हूं देन मास अटोमिक वेट हम और कैसे कैलकुलेट करते हैं अटोमिक वेट इस कैलकुलेटेड यूजिंग Using vapor density. पढ़ चुके हैं ये सब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं ऐसे वेपर डेंसिटी ऑफ अ क्लोराइड अब इसमें एक, इसमें एक जरूरी कंडीशन यह है कि वो जो क्लोराइड है वो वेपर स्टेट में होना चाहिए ठीक है राइट क्लोराइड ऑफ एलिमेंट शुड बी इन वेपर स्टेट सो so, यहाँ पे कैच है फ्लोराइड ऑफ द एलिमेंट ऑफ द एलिमेंट शुड बी शुड बी इन वेपर स्टेट इन वेपर स्टेट शुड बी अ वेपर एंड वेपर डेंसिटी शुड बी नोन उसकी वेपर डेंसिटी should be a should be a vapor. uski chloride should be a vapor and its vapor density should be and its vapor density should be should be known. tab aap tab aap equivalent weight jo hai वो इससे भी vapor density से भी किसी भी chloride की vapor density से भी calculate कर सकते हैं कैसे right equivalent weight of the element ये भी पता होना चाहिए ठीक है कैसे कैलकुलेट करना है कोई कंपाउंड है सपोज कोई कंपाउंड है आपके पास और उसमें आपके पास क्लोराइड है एम सी ठीक है ये x क्या है ये x जो है इस मेटल की वैलेंसी है ये x क्या है ये x जो है वैलेंसी है क्या है यहाँ x इज वैलेंसी ऑफ द वैलेंसी ऑफ द मेटल ऐसे ही फॉर्मूला बनता है ना ठीक तो है क्योंकि क्लोराइड की वैलेंसी तो वन है सो m मान लीजिए मेटल है मान लीजिए सोडियम uh, नहीं सोडियम नहीं मैग्नीशियम है ठीक है इसकी वैलेंसी टू होती है ये क्लोराइड है इसकी तो वन ही होनी है तो यही तो है जो आपको पता नहीं है इसको क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तब हमको मिलता है एम जी सी एल टू इसी तरह एल्यूमिनियम इसकी वैलेंसी थ्री है इसकी वैलेंसी तो हमेशा वन ही होनी है क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलता है ए एल सी एल थ्री तो ये जो थ्री है ये जो टू है ये क्या है ये मेटल की वैलेंसी है ना उसी को हमने एक्स माना है यहाँ पे ठीक है so, सो यहां पे हम कह रहे हैं कि एक्स क्या है ये कंपाउंड है मान लीजिए हमारे पास एम सी एल एक्स अब ये कंपाउंड हमें ये भी तो बता रहा है कि सी एल के कितने आइटम्स हैं ये भी तो बता रहा है ना कि क्लोरीन के कितने आइटम्स हैं सो so, हमको यहां से मोलिकुलर मास मिल जाएगा मोलिकुलर मास ऑफ द क्लोराइड क्या मिल जाएगा मोलिकुलर मास ऑफ द क्लोराइड अब मोलिकुलर मास कैसे निकालते हैं हम अभी हमने ऊपर देखा था क्या इक्विवेलेंट वेट टोमिक मास ऑफ एम सॉरी यहां में लगाएंगे पहले आप एक जनरल फॉर्मूला देख लीजिए अटोमिक मास मेटल का अटोमिक मास और इस क्लोराइड का अटोमिक मास ठीक है अटोमिक मास ऑफ मेटल एम प्लस थर्टी फाइव पॉइंट फाइव एक्स अभी थर्टी फाइव पॉइंट फाइव एक्स क्यों करा अगर यहां एम सी एल टू होता तो हम टू से मल्टीप्लाई करते हैं ना मतलब एम जी सी एल टू होता तो मैग्नीशियम का मास प्लस क्लोराइड का मास इंटू टू करते क्योंकि दो क्लोरीन के एटम्स हैं इसीलिए हमने यहाँ पे Clx एक्स लिखा तो एक्स जो भी है वो क्या है वो वैलेंसी फैक्टर है किसका मेटल का राइट तो इसीलिए हमने उसको यहाँ पे 35.5 वो वो डिटरमाइन करेगा कि क्लोरीन के कितने एटम्स इस क्लोराइड के अंदर प्रेजेंट हैं सो so अगेन यहाँ पे उतने एक्स से हम 35.5 यानी कि क्लोरीन के मास को मल्टीप्लाई कर देंगे मॉलिकुलर मास ऑफ द मेटल क्लोराइड निकालने के लिए अब देखते हैं हम अटोमिक मास ऑफ द मेटल ये क्या देखा था हमने अटोमिक मास ऑफ द मेटल इक्वलेंट वेट प्लस इंटू एन फैक्टर ठीक है इक्वलेंट वेट प्लस इंटू एन फैक्टर सो अब आप यहाँ पे बस इन सब चीजों को हमें असेंबल करना है लास्ट में क्या करना है असेंबल करना है क्ट वेट हम यहां देख के आए साइड में देखो इक्वेलेंट वेट कितना होता है? हम हम क्या देख कर के आए हम देख कर के आए आए हैं? हैं। या टू इक्वेलेंट वेट ऑफ मेटल मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी ये बात ये बात हम यहाँ पे इस जगह पे अभी अभी सीख के आए हैं ठीक है बस इसी को सिंपली हम अप्लाई करेंगे अटोमिक मास की जगह उठा के हम क्या रख देंगे ये ठीक है सो इक्विवेलेंट वेट इनटू एक्स प्लस थर्टी फाइव पॉइंट फाइव एक्स इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल इनटू एक्स यानी कि उसका बैलेंसी फैक्टर प्लस थर्टी फाइव पॉइंट फाइव एक्स राइट right? अब यहां से हम डिटरमाइन कर सकते हैं एक्स यानी कि एक्स क्या है वैलेंसी वैलेंसी ऑफ द मेटल विच इज एक्स इज इक्वल टू टू इंटू वेपर डेंसिटी अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल प्लस थर्टी फाइव पॉइंट फाइव एक्स ये हो गया किसी भी मटेरियल की वैलेंसी फाइंड आउट करने का तरीका या अगर वैलेंसी दी हो तो इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करने का तरीका इसको मैं साफ साफ नेक्स्ट पेज पे कहाँ लिख दू यहीं लिख देती हूँ x इज इक्वल टू टू इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ द क्लोराइड अपॉन इक्विवेलेंट वेट प्लस थर्टी फाइव पॉइंट फाइव प्लस थर्टी फाइव पॉइंट फाइव और ये X क्या है वैलेंसी ऑफ द मेटल है और ये E क्या है E इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल है और वेपर डेंसिटी किसकी वेपर डेंसिटी ऑफ द क्लोराइड वैलेंसी कहां से आई वैलेंसी कहां से आई वैलेंसी यहां से आई ये एन फैक्टर किसी भी मेटल का एन फैक्टर क्या होता है भाई अरे अभी हम करके आए ना पहले एन फैक्टर्स निकाले थे भाई साहब आपने तो पिछली क्लास का हबारा तो नहीं कर दिया कहाँ गया मेटल ये रहा किसी भी मेटल की आयन की वैलेंसी ही उसका एन फैक्टर होती है ये करा था दिस वी डिड यही तो है वैलेंसी कहाँ से आई वेपर डेंसिटी कैसे आई वेपर डेंसिटी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी वेपर डेंसिटी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी वेपर डेंसिटी इंटू टू इज इक्वल टू मॉलिकुलर वेट याद करो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था वेपर डेंसिटी इंटू टू इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक वेट राइट तो यहाँ पर ठीक है वो पिछले चैप्टर में पढ़ाया था याद आ गया चलो वेरी गुड बल्ब जलाओ फिर तो तुम याद आ गया है दिव्यायन गजब कर रहे हो भाई साहब आप तो ऐसे करोगे क्या आगे आगे पार्ट पीछे सब सपाट है ना चलो सो दिस इज द फॉर्मूला जिससे आप अगर आपको वैलेंसी फाइंड आउट करनी है या इक्वेलेंट वेट फाइंड आउट करना है, तो आपको क्वेश्चन में दो बातें ध्यान रखनी है एक कि वेपर डेंसिटी गिवन हो दूसरी चीज क्लोराइड जो है वो वेपर स्टेट में हो और उसकी वेपर डेंसिटी गिवन हो ठीक है तो यहां पे इस तरीके से हमने इक्विलेंट वेट निकाला ठीक है चलो अब इस पे करते हैं कुछ क्वेश्चन अब आप इस क्वेश्चन के अंदर इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे ये जो अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखा एन अनोन एलिमेंट एन अनोन एलिमेंट फॉर्म्स एन ऑक्साइड फॉर्म्स एन ऑक्साइड What will be the

फटाफट सॉल्व करके बताओ क्वेश्चन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल मास ऑफ एलिमेंट्स अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू एट अभी अगर परसेंटेज दिया है तो हम हंड्रेड मान लें टोटल मास ऑफ द कंपाउंड को उसमें से ट्वेंटी परसेंट अगर ऑक्सीजन है तो ट्वेंटी ऑक्सीजन हो गई बचा हुआ मेटल हो गया यानी कि मेटल कितना है लेट मास ऑफ ऑक्साइड Equal 100 then oxygen is equal to 20 and metal is equal to 100 minus 20 that is 80. So hmm? 80 upon 20 into 8 right 32 so this is this should be your answer this should be your answer. दिस शुड बी योर आंसर आया आपको सॉल्व करना ओके चलिए दिस शुड बी योर आंसर मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं चलिए मेटल मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देती हूँ आप उनको सॉल्व करिए मेटल एम ऑफ I'm giving you some homework questions, so you people need to complete these questions on this very concept. all right i think these many questions would suffice to understand this concept clearly right so you need to do these questions and we'll be discussing these questions in the very next class i hope today's uh, concept of equivalent mass was helpful to you and you were able to understand thank you class bye bye see you in the next session